हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा, एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में लेके आई हूँ सारी रीयूज आइडियाज़ का एक नया वीडियो। मेरे चैनल पे सारी रीयूजर्स के बहुत सारे वीडियो हैं जिसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, जहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ 6 सारी रीयूजर्स के नए आइडियाज़ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही स्टाइलिश होंगे, ट्रेंडी होंगे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ड्रेसेस आपने साड़ी से बनवाए हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, इंट्रो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे बांधनी साड़ी की। बांधनी साड़ी मोस्टली लेडीज़ के पास होती ही है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आपके पास बांधनी साड़ी कई सारी होंगी। आपके पास कोई ऐसी बांधनी साड़ी रखी है जिसे अब आप पहनना नहीं प्रेफर करती है, या आप उससे बोर हो गई हैं तो आप उसे रीयूज़ करना चाहती हैं, तो इस बार मैं बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस लेके आई हूँ बांधनी साड़ी का। और तो आपके पास किसी भी कलर की बांधनी साड़ी हो, आप इस तरह की साड़ी से इस तरह का आउटफिट बनवा सकती हैं, वन शोल्डर ड्रेस बनवा सकती हैं, जो कि बहुत ही क्लासी आएगा, बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। तो अगर आपके पास बॉर्डर वाली है तो आप बॉर्डर हटवा दीजिए, या बिना बॉर्डर किए तो भी आप इस तरह का आउटफिट बनवा सकती हैं, जो कि थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लगेगा, जिसमें आपको इंडियन और वेस्टर्न दोनों टच मिलेगा। तो आप वन शोल्डर के साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरह का आउटफिट बनवा सकती हैं। आप वेस्ट को हाईलाइट करने के लिए आप लेस का बेल्ट बनवा सकती हैं, या फिर आप ऐसे भी रख सकती हैं, आपकी चॉइस है। काफ़ी स्टाइलिश ड्रेस बनेगा साड़ी से, क्योंकि साड़ी का कपड़ा ज़्यादा होता है तो फ्लेयर बहुत अच्छा आएगा। तो ये है मेरा पहला ऑप्शन, जो कि काफ़ी स्टाइलिश ऑप्शन है, आप इसकी तरफ ज़रूर जा सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आउटफिट पे। तो अगर आपके पास बांधनी साड़ी है और आपको ये आउटफिट उतना अच्छा नहीं लगा, या आप इतना कंफर्टेबल नहीं, के पास रेड पिंक ऐसी साड़ी है जिसमें आपको लगता है ये ड्रेस इतना स्टाइलिश नहीं लगेगा, उसके लिए सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह की रेड साड़ी है तो आप उससे इस तरह का शरारा सेट बनवा सकते हैं, जो कि बहुत क्लासी लगेगा, बहुत स्टाइलिश लगेगा। और इस समय शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो हल्दी, मेहंदी, संगीत, या शादियों में और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, शादी के दिन मॉर्निंग में या विदाई के दिन, ऐसे आप लाइट वेटेड ड्रेस पहन सकती हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई साड़ी है और जिसे आप डिस्कार्ड करना चाहती हैं, जिसे पहन के बोर हो गई हैं, या उसे आप रीस्टाइल करना चाहती हैं, कुछ नया लुक देना चाहती हैं, तो आप इस तरह का शरारा बनवा सकते हैं, अच्छा लगेगा। इसमें आप अपनी साड़ी का ही बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको शरारे का थोड़ा नया लुक देना है तो लेसेस नई परचेज करके आप उसमें ऐड करवा सकते हैं। दुपट्टा अगर आप साड़ी से ही बनवा पाएँ तो साड़ी से ले लें, या फिर शिफॉन के अलग से भी दुपट्टे ले सकती हैं। ये था ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3, तो इस तरह की साड़ी मोस्टली आपके पास, आपकी मम्मी के पास ज़रूर होगी, तो इस तरह की साड़ी का भी रीयूज़ मैं लेके आई हूँ। इस तरह की ये जो चंदेरी सिल्क साड़ी होती है, इसका रीयूज़ लेके आई हूँ मैं। आप इस तरह के कुर्ता सेट बनवा सकते हैं, अगेन दुपट्टा आप साड़ी में से भी निकलवा सकते हैं, या फिर मैचिंग दुपट्टा ले सकते हैं, जिसके बॉर्डर से आप नेक डिज़ाइन क्रिएट करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, स्लीव्स पे आप बॉर्डर लगवा सकते हैं। तो इस तरह की साड़ी से आप कुर्ता पैंट सेट बनवा सकते हैं, या कुर्ता प्लाजो सेट बनवा सकते हैं, जिस तरह का आप पहनना पसंद करें। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 में इस तरह की जो प्रिंटेड साड़ियाँ होती हैं, बहुत ही बेसिक साड़ी होती है, हर घर में इस तरह की साड़ियाँ यूज़ की ही जाती हैं। अगर आप साड़ी पहनना पसंद करते हैं तो मुझे लगता है प्रिंटेड साड़ियाँ सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल होती हैं। तो इस तरह की जो प्रिंटेड साड़ी है, आपने 2-4 बार पहन लिया है और अब आप उससे बोर हो गई हैं, फैब्रिक थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, जॉर्जेट है, क्रेप है, कोई भी फैब्रिक हो, बस फैब्रिक थोड़ा रिच हो, बहुत रफ फैब्रिक ना हो, आप उससे इस तरह के कुर्ती कम गाउन बनवा सकती हैं, अंगरेखा स्टाइल में। आपको इसकी स्लीव फुल रखनी है, चूड़ीदार रखनी है, चूड़ीदार स्लीव इज़ बैक ऑन ट्रेंड। एक आध मैंने अपने वीडियो में भी इंक्लूड किया है कि चूड़ीदार स्लीव का फिर से ट्रेंड आ गया है, तो आप इस तरह की कुर्ती बनवा सकती हैं, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगेगी, बहुत ही क्लासी लगेगी। और इस कुर्ती को आप एक प्लाजो खरीदें मैचिंग कलर का, उसके साथ पहने ना, फ्लेयरी कुर्ती और प्लाजो बहुत ही क्लासी लुक देता है। लेगिंग्स के साथ ना पहन के आप प्लाजो के साथ ट्राई करिए, आपको बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा। नंबर 5, 1-2 साल से ये सैटिन सिल्क की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, इतनी ज़्यादा ट्रेंड में हैं कि मतलब इसका चीप वर्जन और हर तरह का वर्जन आपको मार्केट में मिलेगा। तो अगर आपने ले लिया है, आप 1-2 बार पहन के इससे बोर हो गए हैं, या आपको हर जगह यही साड़ी दिख रही है तो आप इससे बोर हो गए हैं, इसके डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो आप इस साड़ी को नया लुक दे सकते हैं इस तरह का गाउन बनवा के। इस साड़ी के साथ आपको सीक्वेंस वाला ब्लाउज़ मिला होगा, तो आप ऐसे उसी ब्लाउज़ को अटैच करवा के आप गाउन बनवा सकते हैं। अगर आप बुटीक वाले को दिखाइए ब्लाउज़ अटैच करके, गाउन वो लोग बना देते हैं, तो
तो आप इस तरह का गाउन बनवा सकती हैं, जो कि सैटिन सिल्क पार्टी वेयर फैब्रिक होता है, पार्टी वेयर लुक देता है, तो आप इसे एज ए पार्टी वेयर गाउन या वेस्टर्न गाउन की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी शादी फंक्शन, छोटे मोटे बर्थडे पार्टी या किसी भी नाइट पार्टीज में, ये अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 6 पे, जो कि वीडियो की जान होने वाला है। तो इस तरह की फ्लोरल साड़ी है, अगर आपके पास वो किसी भी फैब्रिक की हो, सिफॉन की हो, जॉर्जेट की हो, ऑर्गेंजा की भी, इस तरह की साड़ियाँ बहुत मिलती हैं, तो इससे आप इस तरह का एक आउटफिट बनवा सकती हैं, लाइक लहंगा बोल सकते हैं या स्कर्ट और क्रॉप टॉप बोल सकते हैं। तो आप टॉप को अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वन शोल्डर रख सकती हैं, ऑफ शोल्डर रख सकती हैं, या कट स्लीव का भी रख सकती हैं, जिस तरह का आपको पहनना है उस तरह का स्टाइलिश सा आप टॉप और उसके साथ फ्लेयर वाला स्कर्ट, लहंगा स्कर्ट बोल सकते हैं, ऐसा बनवा लें, जिसे आप किसी भी शादी के छोटे मोटे फंक्शन में, लाइक हल्दी में बहुत अच्छा लगेगा, संगीत में बहुत अच्छा लगेगा, मेहंदी में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक नया आउटफिट लेने से बच सकती हैं, आप साड़ी ढूंढिए और बस आपकी स्टिचिंग जाएगी और इस तरह का बहुत ही फ्लोई स्कर्ट बनेगा, और साथ में मैचिंग टॉप या ब्लाउज बनवाइए, बहुत ही क्लासी लगेगा। अगर आप टॉप बनवाएंगे तो आपको दुपट्टे की भी नीड नहीं है, बट फिर भी अगर आप दुपट्टा लेना चाहती हैं तो आप उसके साथ कंट्रास्ट में या मैचिंग दुपट्टा ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो? आज के वीडियो में मुझे लगता है सारे के सारे ऑप्शन बहुत ही प्रैक्टिकल थे, बहुत ही स्टाइलिश थे और साथ के साथ बहुत ही ट्रेंडी थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कौन सा रीयूज आइडिया आपको अच्छा लगा और आप कौन सा ट्राई करेंगे ये मुझे कमेंट जरूर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, सी यू सून।